अब मैं शहरी मुराद से एक मैं चाहती हूँ कि इब्तिदा करूँ शहरे मुराद से। शफी मुराद कहते हैं कि इश्क क्या और इश्क का पिंदार क्या, वाह, इश्क क्या और इश्क का पिंदार क्या, मिल गई है रूह तो फिर आर क्या, मैं तेरे कूचे में तनहा वाह, रह गया, वाह, मैं तेरे कूचे में तनहा रह गया, हो गए सभी पसे दीवार क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, वाह शायद माशाल्लाह, मैंने पढ़ी तो एक एक मिस्रा हैरत अंगेज मुझे मतलब दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे डॉक्टर अफजाल रहमान साहब जो शिकागो से हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमारी तकलीफ के बारे में कोई बात कीजिए प्लीज, और बताइए, और इस किताब के बारे में भी आप जितना जानते हैं और शफीक मुराद साहब के बारे में आप प्लीज थोड़ी सी बात कीजिए। जी अफजाल बिस्मिल्लाह, रहमान जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, गुड मॉर्निंग। शिकागो से अफजाल रहमान साहब हमसे कुछ जी बात भाई, करेंगे किताब के बारे में। जी मैंने तो एक छोटा सा, मेरी अदना कावाइश काविश थी कि मैंने एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाया हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी अच्छा जी तो पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर सब लोगों को साइड पे करके फिर मैं इसे शुरू करूंगा इंशाल्लाह। और आवाज नहीं आ रही। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप सब खामोश रहिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, ये अभी सेट हो रहा है। शिकागो में प्लीज इस समय स्टॉप, मीटिंग प्लीज चल रही स्टॉप है। टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, स्टे क्वाइट एंड काम। तो जैसे मैंने कहा, कामरान उस्मान साहब की ये काविशों का नतीजा है कि आज का प्रोग्राम बड़े ही कामयाब तौर पे और अभी स्टार्ट हुआ है। और हमारे बहुत ही दिलअज़ीज़ दोस्त मुराद साहब की इस किताब की तकरीब रोनमाई शहर मुराद के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। एक छोटी सी अदना मेरी ख्वाहिश है, काविश है। इसमें पहली स्लाइड ये है, इसमें शफीक मुराद साहब की आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इनकी किताब का फ्रंट पेज भी है। शहर मुराद के तख्लीक-ए-कार शफीक मुराद साहब के साथ एक शाम, शफीक मुराद के शेरी मजमूए शेरी शहर शहर मुराद की तकरीर पजीराई पर ये पेश कर रहा हूँ। इसको मैंने कुछ इस तरह से जमाया है कि इसमें थोड़ी सी मैं तमीद बांधूंगा, उसके बाद में तारुफ है, सवाने और बायोडाटा है, शफीक मुराद साहब का चंद तस्वीरी अशार हैं, अवार्ड्स हैं, चंद यादगार तस्वीरें हैं, इसके साथ साथ में मंजूम अशार कुछ लोगों ने मुझे अपने इजहार ख्याल या तहनियती अशार दिए हैं, वो मैंने यहाँ जोड़े हैं, और उसके बाद में कुछ अख्तितामी स्लाइड्स हैं। चले इसे मैं बहुत तेजी के साथ ले जाता हूँ, अब इसकी तमीद मैं शुरू कर रहा हूँ। तमीद के अंदर मैंने दो अशार आपके शहर मुराद से लिए हैं। मैंने तो अल्फाज को शेरों में ढाला था मुराद, मैंने तो अल्फाज को शेरों में ढाला था मुराद, जाने उसके हुस्न से क्यों शायरी मिलती गई, जाने क्यों उसके हुस्न से शायरी मिलती गई। मैं ही था हर्फ तमन्ना, मैं ही था शहर मुराद, मैं ही सजदों में बसा था जुस्तजू करते हुए। इसके साथ साथ मैंने अपना भी एक शेर यहाँ जोड़ा हूँ, ये तो शफीक मुराद साहब के लिए है। इसमें रख दी तुमने लिखकर अपने दिल की दास्तान, ओ मुबारक तुमको ये शहरे मुराद, अब ए मुराद। वाह इसके बाद में देखें तमीद में है, इमाम इब्न कय्यम ने कहा था कि रूह एक लतीफ रूहानी चीज है जो जिसमें इस तरह रहती है जैसे फूलों में खुशबू, तेल में चिकनाहट, फल में शीरनी, और यही रूह शायर के कलाम में भी मौजूद होती है जो लज्जत खुशबू शीरनी का एहसास दिलाती है, यही रूह शहर मुराद में भी मौजूद है। ये किताब आपको शफीक मुराद के आराइश ख्याल बयानो जबान की रूह से जगह जगह तारुफ कराएगी। क्या ही खूबसूरत शेर है ये शफीक मुराद साहब का। मैं लबे साहिल खड़ा सुनता रहा मौजों का शोर, मैं लबे साहिल खड़ा सुनता रहा मौजों का शोर,
और वो लिखता गया मेरे घुमा का इक्तबास। इसके बाद में मैंने एक ये इसमें लिया था मंजर, यहाँ देखें आप शफी मुराद साहब, इनकी किताब का फ्रंट पेज, एक मशहूर और हर दिल अजीज शायर, और शफी मुराद साहब अपने पुरलुत्फ अंदाज गुफ्तगू, खूबसूरत जबान और शायरी के लिए सारे आलम में, सारी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। आपकी जो किताब है ये एक शेरी मजमुआ है, 144 सफात पे मुश्तमिल है, और ये फरात पब्लिकेशन की से पब्लिश हुई है। सवाने और बायोडाटा में इनके चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, एक मिनट मुझे दे दीजिए ज़रा। शफी मुराद साहब लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए, मैट्रिक एफए सरगोधा से किया, 1979 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बाद अज़ां पंजाब यूनिवर्सिटी से ही कानून की डिग्री हासिल की, लाहौर में पेशाए वकालत से मुंसलिक रहे, 1987 में जर्मनी आए, फिर यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, शायरी का शौक इन्हें अपनी वालदा से मिला, ज़माने तालिब इल्मी से ही शेर कहना शुरू किया। जर्मनी में मुनक्किद होने वाले मुशायरों के अलावा बैनुल अक़वामी मुशायरों में शिरकत करके दाद तहसीन वसूल कर चुके हैं। उन्नीस सौ नौ में शरीफ एकेडमी जर्मनी की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी मकसद फरोग इल्म व अदब है। दुनिया के तकरीबन 20 ममालिक में और पाकिस्तान के तकरीबन 25 अजला में शरीफ एकेडमी की शाखें फरोग इल्म अदब के लिए कारहाए नुमाया सर अंजाम दे रही हैं। शफी मुराद की इल्मी और अदबी खिदमात के एतराज में कई आपको कई अदबी एजाजात से नवाजा गया है। पहली पहला शेरी मजमुआ शेर मुराद आपके सामने, और आपके सामने है नज़मों का एक मजमुआ मेरी सारी दुआएं हमारे लिए ज़ेर इशाद है। शेर मुराद के बानी और तख्लीककार आपके काफ़ी पब्लिकेशंस हैं, और आप YouTube टीवी और मैगजीन में भी काफ़ी आपके आर्टिकल हैं। आपने बैनुल अक़वामी सतह पर कई मुशायरे पढ़े हैं, जिसका सिलसिला आज भी जारी और सारी है। आपको कई अवार्ड मिले हैं, जैसे कि अभी हमारे सबीन बहन ने भी कहा है, और मैं सारे अवार्ड तो यहाँ बता नहीं सकता हूँ। एक अवार्ड की मेरे पास तस्वीर है, तो मैं इसके बाद की स्लाइड में बताता हूँ। इसके साथ साथ चंद तस्वीरी अशार, सेलेक्टेड अशार मैंने कुछ यहाँ लगाए हैं। ये आपका एक नाती अशार है, आप देखें इसे क्या। अगर आप मुझे एक थोड़ा सा मौका दें तो इसमें चार लोग हैं, तीन लोग हैं जो शामिल होना चाह रहे हैं, तो ज़रा एक, मगर मैं इसे चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, सॉरी, हम उनको थोड़ी देर के बाद ऐड कर लेंगे। ये नात का एक शेर है, नात एक नोके कलम पर फिर रवा होने को है, नात एक नोके कलम पर फिर रवा होने को है, मेरी किस्मत का सहीफा गुलसिता होने को है, चाहता हूँ वक्त गुजरे, खामोशी के साथ सुनिए जनाब, चाहता हूँ वक्त गुजरे उनका कूचे में मुराद, चाहता हूँ वक्त गुजरे उनके कूचे में मुराद। थोड़ा सा मुझे ये हटाना है। ये भी घर ना हो सका तो सब्जियां होने को है, एक मिनट दीजिए, क्योंकि मैं इस पे ना फ्रीज हो जाता है, तो मैं इधर देख रहा हूँ, और बीच में अगर कोई टोका तो उसके वजह से ना फिर वो रिदम जो है वो गलत हो जाता है, तो प्लीज जरा सा बर्दाश्त कर लें। क्या ही खूबसूरत शेर है, जाने मन तू है खुदा की शायरी, जाने मन तू है खुदा की शायरी, तेरे आगे ये मेरे अशार क्या, मस्तियां हैं अपनी आंखों की मुराद, हुस्न क्या, मस्तियां हैं अपनी आंखों की मुराद, हुस्न क्या और हुस्न का मेयार क्या। इसके बाद एक शेर और मैं बताऊंगा आपको, शफी मुराद की इंतहाई खूबसूरत गजल का एक शेर है, और आप इसको देखें ये क्या वाकई बड़े कमाल का है। मेरे करीब ना आना समेट लूंगा तुम्हें, मेरे करीब ना आना समेट लूंगा तुम्हें, मैं वो शजर हूं कि जिसमें कशिश बला की है, और ये भी आपका एक शेर है।
वही है, मैंने यहाँ पे जरा सा यहाँ पे एक वो जरा सा मुझे साइंटिफिक और मेरा साइंस से ताल्लुक है, तो एक ये बड़ा ही पुराना ट्री है जो कि 5000 ईयर के करीब, और इसमें भी क्या कशिश होगी और कितने दिन से ये मौजूद है, और ये कहते हैं कि ये इजिप्ट की जो पैरामिड्स है उससे भी ज्यादा इसकी उम्र है। इसके साथ साथ आप ये देखें, ये रोशनी का सफर है हमदम, ये रोशनी का सफर है हमदम, रात के साथ साथ रहना, जो तेरी शब की शब के जो तेरी शब के उदास रास्तों में बन के सूरज उभर रहा है। इसके साथ साथ में मैंने कुछ इजहार ख्याल की भी कुछ और तहनियत अशार लिए हैं, एक मिनट मुझे दें ताकि मैं अपने, मेरे सामने कुछ पेपर्स भी हैं उसमें से मैं पढ़ूंगा, इसमें बराबर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बाजू में बात लोगों का सारा सेटिंग है इसमें। हमारे प्रोफेसर अब्दुल हकीम साहब ने ये दिया था मुझे, ये इजहार ख्याल और तहनियती अशार है, फैलेगी इससे फैलेगी इससे चार सू संसार में महक, फैलेगी इससे चार सू संसार में महक, शहर मुराद गुलशन उर्दू का है गुलाब। और ये हमारे शमशाद साहब का है, शेर गोई का वो दस्तावेज है शहर मुराद, शेर गोई का वो दस्तावेज है शहर मुराद, फिक्रिया अशार से लबरेज है शहर मुराद। इसके साथ साथ में हमारे डॉक्टर तौफीक अंसारी साहब बड़े सीनियर असातिज़ा में है, इनके चंद अशार तहनियती मैं इसमें आपके सामने पढ़ूंगा, रोनमाई का सलीके से हो जो इनकाद, रूनमाई का सलीके से हुआ जो इनकाद, खुश हैं अहले अंजुमन और देखने वाले हैं शाद, खुश हैं अहले अंजुमन और देखने वाले हैं शाद, आज ये जो मुनक़िद की कामरान उस्मान ने, मुद्दतों बाकी रहेगी इस पजीराई की याद, इसमें फिक्रो पन है शामिल वो जो लाए हैं शफीक, शेर हिकमत से भरा है वक्त का शहर मुराद। इसके बाद में कुछ चंद अशआर मैंने भी इसमें शामिल किया है, फन का इजहार है शफीक मुराद, आला फनकार हैं शफीक मुराद, जो उठाते हैं ऊंचा शेर को ऐसे मेमार हैं शफीक मुराद, इनकी तारीफ क्या करूं अफसर, दोस्त हैं यार हैं शफीक मुराद। वाह वाह बहुत बहुत सुंदर। इसके साथ साथ में भी हमारी बहन तायरा रिदा शिकागो से, ख्वाब में जब चांदनी का हुस्न शामिल हो गया, यूं लिखा हर शेर के एहसास कामिल हो गया, यूं लिखा हर शेर के एहसास कामिल हो गया, सज गया है दोस्तों बागीचे शहर मुराद, जिसमें शिरकत का हमें एजाज हासिल हो गया। इसके बाद में कुछ यादगारी तस्वीरें हैं, इस पे तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ आप देख लें, ये आप एक प्रोग्राम में जब शामिल थे, या प्रोग्राम था कुवैत में था एक प्रोग्राम, उसकी एक तस्वीर। इसके बाद में एक और कुवैत के प्रोग्राम की तस्वीर है, इसके बाद में लाहौर के एक प्रोग्राम में मेमोरी लेन आपने तस्वीर भेजी थी, मैंने यहाँ लगा दिया हूँ, और ये एक फोटो मेमोरी लेन में एक फोटो है जो कि लंदन प्रोग्राम की है, और ये भी एक मेमोरी लेन के अंदर इटली प्रोग्राम की है, शफीक मुराद साहब की मेमोरी लेन में ये जर्मनी प्रोग्राम की है, और ये एक मरतबा आपके साथ एक कन्वर्सेशन या मकालात के साथ आप डॉक्टर तकी आबिदी के साथ है। अब इख्तितामी स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, चंद लम्हों में ही दिल का राजना बनेगा, चंद लम्हों में ही दिल का राजना बनेगा, रात भर का एक मेहमान मेजबान बनेगा। थोड़ा सा ऊपर उठाना है, फिर शऊर आगाही ने सर उठाया है मुराद, फिर शऊर आगाही ने सर उठाया है मुराद, इस जमीन पर फिर नया आसमां बनेगा।
शफी इमरान साहब के शेरी अफकार दिल और दिमाग को मसरूर और मुनव्वर करते हैं, और ये शेर मुराद से एक शेर एक कथा यहाँ पे मैंने फिर से जोड़ दिया हूँ। सोच जब पुरख खुमार रहती है, सोच जब पुरख खुमार रहती है, हर तरफ ही बहार रहती है, बाद रुखसत के भी शफीक मुराद कैफियत बरकरार रहती है। शफीक मुराद साहब की शायरी उनके जज्बात की तर्जुमानी करती है। शेर मुराद देर तक साथ साथ रहती नजर आती है। इन्हें मैं उनकी किताब की तकरीब पजीराई पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुलूस दिल से दुआ करता हूँ जोरे कलम और ज्यादा इसका लुत्फ तो तभी आएगा जब आप किताब खुद पढ़ेंगे। किताब वो तोहफा है जिसे बार बार पढ़ा जा सकता है। शेर मुराद की PDF कॉपी आप सबके पास होगी, आप इसे जरूर पढ़िए। ये आखिरी की स्लाइड है और इसमें देखिए क्या ही अच्छा एक मैसेज है जो कि शफीक मुराद साहब ने दिया है। कोई झूठा नहीं शफीक मुराद, कोई झूठा नहीं शफीक मुराद, सारे सच्चे हैं, क्या तमाशा है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे डॉक्टर अफजालुर रहमान जिन्होंने बहुत मेहनत की, और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि इतनी मोहब्बत तो मैंने किसी की किताब के लिए किसी के लिए नहीं देखी जितना अफजालुर रहमान साहब ने अपने कीमती वक्त में से निकाल के स्लाइड भी बनाई। और शफीक मुराद साहब मतलब हैरत अंगेज, मुझे लग रहा है कि आपको शफीक मुराद साहब से बहुत मोहब्बत है या बहुत पुरानी पुरानी दोस्ती या याराना है, ये बात क्या है? जरा साहब इस बात पे पहले रोशनी डालिए। ये हमारे भी प्रोग्राम में जब ये कोविड हुआ उसके पहले भी प्रोग्राम चला करते थे तो हमने इन्हें इनवाइट किया था हमारे प्रोग्राम में। इन्होंने सदारत भी की है शफीक मुराद साहब ने, और जब इन्होंने अपना दुआया कलाम पढ़ा था तो हम लोग बहुत मुतासिर हुए थे, और इसके साथ साथ इनकी जो गजलें हैं वाकई हमारे दिलों पर बहुत गहरा असर कर गई हैं। बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर अफजाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।